यूपी के कासगंज में सुबह हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। कासगंज के सीएमओ राजीव अग्रवाल ने जानकारी देते हुए इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अभी तक 5 लोग यहां भर्ती हैं और 2 लोगों को छुट्टी भी दी जा चुकी है, जबकि करीब 10 लोग घायल हैं। बताते चले कि यह हादसा तब हुआ जब गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरा ट्रैक्टर बेकाबू होकर तालाब में पलट गया। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालु एटा के जैथरा थाना क्षेत्र के नगला कसा जैथरा से कादरगंज गंगा स्नान करने जा रहे थे। 22 डेथ है हमारे यहाँ कासगंज में, और थोड़ा तेज बोलिए सर। 22 डेथ है कासगंज में हो चुकी है, 5 हमारे यहाँ एडमिट है और 2 लोगों को डिस्चार्ज किया। कितने लोग रेफर हैं? रेफर 4 करे गए थे अलीगढ़ के। सर, मरने वाले में कौन कौन लोग शामिल हैं? बच्चे, महिलाएं, क्या कितने? अधिकतर महिलाएं और बच्चे। तो कुल कितने मृत हुए, कितने घायल? 22 मृत हो चुके हैं और 5 7 और 3 10 करीब घायल। 10 गंगा नहाने जा रहे थे। कितने लोग थे? अब लमसम 50-52 आदमी थे। तो ये ट्रैक्टरों की संख्या एक थी या दो थी? ट्रैक्टर एक था। एक ही ट्रैक्टर में इतने लोग? हाँ, एक ट्रैक्टर में। तो क्या ऐसा आयोजन था, ये लोग जा रहे थे गंगा नहाने? जा रहे थे, आज पूर्णमासी थी इसलिए गंगा नहाने जा रहे थे। तो उसके बाद में फिर इसमें कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग मृतक हुए हैं, क्या है पूरी जानकारी? अब ये तो संख्या हमको मालूम नहीं है, लेकिन अस्पताल में मैंने देखा 14-15 लोग पड़े हुए थे, उसमें 3-4 घायल थे और मृतकों की संख्या 14 थी उस टाइम पर।